हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो जैसा कि बेटा हम लोग प्लस टू क्लास की अकाउंटेंसी का पार्टनरशिप का जो फर्स्ट चैप्टर है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसके उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमारी ऑलरेडी दो क्लासेज इसके लिए बन चुकी हैं। इंट्रोडक्टरी चैप्टर था वो बन गया है, उसके बाद में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख लिया है। और आज हम उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर बेटा मैं एक चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आप लोगों को वीडियो क्लियर नहीं लग रही है तो आप राइट हैंड साइड में ऊपर की साइड जो तीन बटन दिखाई दे रहे हैं उनके ऊपर क्लिक करके क्वालिटी के अंदर जाकर 360 पिक्सल्स को आप कर सकते हो, तो वहां से वीडियो क्लियर हो जाएगी। थैंक यू। और प्लीज आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन होती है, कोई इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए जितना भी पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस के ऊपर, तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल इन्वेस्टेड एक पार्टनर के द्वारा। अब देखो पार्टनर कैपिटल किस किस प्रकार से उसके अंदर इन्वेस्ट करता है। हो सकता है उसने स्टार्टिंग के अंदर, मान लीजिए उनका फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चल रहा है, और 1 अप्रैल को उन्होंने बिजनेस शुरू किया। 1 अप्रैल को ही पार्टनर हैं ए बी सी, तीन बंदे हैं। कौन कौन हैं, ए है बी है सी है। अभी इसने बिजनेस में कितना पैसा लगाया, मान लीजिए इसने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और इसने 8 लाख रुपीज है इन्वेस्ट कर रखा है, एंड इसने सी ने 6 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस में। और जो हमारी पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर साफ तरीके से बताया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10% पर एनम के अकॉर्डिंग हमने देना है। तो किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, और बिजनेस में कोई पैसा नहीं लगाया, सिर्फ इतना इतना इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अगर मैं निकालूंगा यहाँ पे ए का, तो ए का कितना निकलेगा, कैपिटल इन्वेस्ट इनटू जितना भी ये परसेंटेज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10% अटैच अपॉन 100। अगर 1 अप्रैल को नहीं किया हुआ, मान लीजिए उन लोगों ने कितना किया, 1 जून को किया हुआ है या सितंबर के अंदर बिजनेस शुरू किया हुआ है, तो जितने मंथ बनेंगे, जितने मंथ के लिए उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, उतने महीना के लिए हम ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, मंथ अपॉन 12। ठीक है, तो ये तरीका अपनाएंगे। अभी ये सिंपल है, कितना है, ए ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है यहाँ पे, तो हम क्या निकालेंगे, 10 लाख इंटू 10 अपॉन 100, तो ये कितना आ गया, 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया इसका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इस प्रकार से हम किसी का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो इतना ही रहेगा बेटा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, थोड़ा सा जो बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है और जिसके अंदर कैलकुलेशन ज्यादा रहती है, वो है हमारा इंटरेस्ट ऑन, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग इसके फॉर्मूलाज बन सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है, मैं आप लोगों को बता देता हूं सारे फॉर्मूलास। पहला है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड के अंदर क्या होगा, एक पार्टनर है उसने बिजनेस में से ड्रॉइंग किया, मान लीजिए जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चल रहा है। 1 अप्रैल को उन्होंने बिजनेस शुरू किया था, एंड उन्होंने क्या किया कि 30 सितंबर को उन्होंने बिजनेस में से ड्रॉइंग किया हुआ है, किसी व्यक्ति ने, कितना भी हो सकता है। मान लीजिए उसने 20,000 रुपीज उसको रिक्वायर्ड था और उसने ड्रॉइंग का कर लिया, और इसके अंदर उन्होंने दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कितना है, कितने परसेंट के हिसाब से होगा, वो भी बोला कि 10% से होगा। तो अभी जितने महीना के लिए है वो हम उसका कर लेंगे। तो किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, अगस्त सॉरी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के लिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू हाउ मच, टोटल अमाउंट इज 20,000 इनटू परसेंटेज कितना है इसका,
10 अपॉन 100 आ जाएगा, एंड कितने मंथ के लिए है, 6 मंथ के लिए, तो 6 अपॉन 12 आ जाएगा। तो इसको बेटा हम लोग काटने से 5,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा। और ये कौन से मेथड के अकॉर्डिंग है, सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग है, ये आप आसानी से कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसको बस आपने सीखते जाना है, और आपने बेटा इसके साथ के साथ नोट्स प्लीज जरूर बनाते चले जाएं। और अगर आप लोगों को फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर 9050806442 इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, कुछ क्वेश्चंस करने के लिए चाहिए, तो मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ है या वर्ड की फाइल्स है, मैं आप लोगों को सेंड करूंगा। और किसी भी प्रकार का आप लोगों को मटेरियल चाहिए तो आप मेरे से मांग सकते हो। थैंक यू। तो नेक्स्ट है एवरेज एवरेज पीरियड में, क्वेश्चन में कई बार क्या हुआ कि ड्राइंग दिया गया है, कितने परसेंट ये नहीं बताया गया है कि किस परसेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कैलकुलेट करना है। मान लीजिए क्वेश्चन में हमें दे दिया गया कि उसने 20,000 रुपया क्या है ड्राइंग किया है, या पहले 20,000 लिया था, 30,000 लिए थे, तो 30,000 रुपये है, एक पार्टनर है जिसका नाम है राम। तो राम ने बिजनेस में से 30,000 रुपीज हैं वो किए हुए हैं, ड्राइंग किया हुआ है, और इसके अंदर टाइम भी नहीं दिया, सॉरी उन्होंने डेट नहीं बताया कि कौन सी तारीख को इसने किया है, वो बता दिया परसेंटेज इसका, बता दिया कि 10% के अकॉर्डिंग इसका क्या करेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है इसकी, वो बताया हुआ है। तो अभी इसके अंदर क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो पीरियड है वो एवरेज लेंगे। एवरेज कितना होता है, देखिए जितना भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है, क्या हुआ इसको लिख लीजिएगा बेटा, जो मैं मेन मेन पॉइंट लिख रहा हूं या बोल रहा हूं, अकाउंटिंग पीरियड का हम एवरेज करेंगे, एवरेज बोले तो इसका हाफ ले लेंगे। मान लीजिए अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कितना महीना रहेगा, 12 महीने रहेगा ना, अगर 12 महीने है बोले तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च है, या फिर कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर है, तो हम कितने लेंगे हाफ इसका, 6 मंथ्स के लिए इसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट किया जाएगा। अगर जो फाइनेंशियल ईयर है वो 6 मंथ्स के लिए ले रहे हैं बोले तो पूरा नहीं ले रहे हैं, हाफ हाफ करके ले रहे हैं। अगर हमारा ध्यान रखना जो हमारा एवरेज पीरियड मेथड है, ये क्या है, एवरेज पीरियड मेथड है, कुछ और नहीं है। एवरेज किसका निकाल रहे हैं हम लोग, पीरियड का, जितना भी वो टाइम पीरियड है, कौन सा अकाउंटिंग पीरियड। अगर हम 6 मंथ्स की बात कर रहे हैं तो 6 मंथ्स में क्या होगा, इसका हाफ कितना होगा, 3 मंथ्स, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, 3 मंथ्स के लिए इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अभी ये भी आप लोगों का हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग मुझे बता देना, और आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो, और वैसे मैं इसका लिंक आपको सेंड कर दूंगा। चलिए एवरेज के बाद में अगला है थर्ड वन, ये है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालेंगे। देखिए प्रोडक्ट मेथड कब अपने को यूज करना पड़ेगा, अगर तो सिर्फ एक बार वो बिजनेस के अंदर ड्रॉइंग कर रहा है, या बिजनेस में दो बार ड्रॉइंग कर रहा है, मान लीजिए 3 बार भी कर रहा है, तो हम जितना ड्रॉइंग किया और उस ड्रॉइंग को एक पार्टनर ने अपने घर में पर्सनली कितना यूज किया, कितने टाइम पीरियड के लिए यूज किया, उस टाइम पीरियड के अंदर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसका ड्रॉइंग निकाल लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल लेंगे। लेकिन अगर वो बार बार निकाल रहा है और एक पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग नहीं निकाल रहा है, कभी 1 तारीख को निकाल रहा है, कभी 15 तारीख को निकाल रहा है, कभी 30 तारीख को निकाल रहा है, कभी किसी महीने में, कभी किसी महीने में, वो क्या कर रहा है, बिजनेस में से ड्रॉइंग कर रहा है, तब हम लोगों को प्रोडक्ट मेथड को कैलकुलेट करना है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे तो बेटर रहेगा। मान लीजिए एक स्टेटमेंट है, छोटा सा मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, एक पर्सन है अजय, तो
अजय की ड्राइंग में अगर लिख दूं आपको, अजय ने ड्राइंग करी हुई है बिजनेस में, कितना कितना किया हुआ है। सबसे पहले उसने 1 जून को ड्राइंग किया, कितना ड्राइंग किया भाई, 24,000, क्लियर है। उसके बाद उसने उसी साल 31 अगस्त को उसने क्या किया, ड्राइंग किया, और कितना किया, 16,000। और उसको रिक्वायर्ड हुआ पैसे की जरूरत पड़ी बच्चों का फीस करने के लिए, घर के बिल पे करने के लिए, किसी भी चीज का पे करने के लिए। 30 सितंबर को उसने फिर से पे किया, कितना ड्राइंग निकाल लिया, 6,000। उसके बाद क्या हुआ, 31 जनवरी को, तो जनवरी तो गया ना, तो क्या होगा फरवरी और मार्च, सिर्फ 2 महीने के लिए उसने पैसा निकाला, और कितना निकाला, 12,000। ये क्वेश्चन दे दिया गया कि एक व्यक्ति है, पार्टनर है अजय, और उस अजय ने बिजनेस में इन इन तारीख को, अलग अलग डेट्स को बिजनेस में से ड्राइंग किया हुआ है। तो ये ड्राइंग अभी कैलकुलेट क्या करना है, बोले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कीजिए, और इसके अंदर परसेंटेज दे दिया। मान लीजिए जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है वो करना है 9% पर एनम के अकॉर्डिंग, इज इट क्लियर। तो अभी देखिए बेटा, तो मैं यहीं पे परफॉर्मेंस का बना देता हूं किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। ये तो क्या हो गया, डेट ऑन विच ही हैज मेड द ड्राइंग, तो ये क्या हो गया, ये ड्राइंग है, एक्चुअल अमाउंट है। अब मैं यहां पे मंथ लिख देता हूं, कितने मंथ के लिए उसने निकाला, अभी 1 जून को निकाला तो ये हो गया हमारा 31 मार्च तक अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 10 मंथ्स इसके हो गए। 31 अगस्त को उसने 16,000 निकाला है तो ये उसके हो गए हैं 7 मंथ्स। मैं इसके सामने लिख देता हूं मंथ्स मंथ्स, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। आगे उसने निकाला है 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर को निकाला है, वो निकला है हमारा 6 महीना के लिए, और ये वाला कितना निकला है, 2 मंथ्स के लिए। अभी मैं क्या करूंगा, यहां पे प्रोडक्ट बोले तो इसका मल्टीप्लाई करूंगा, किसका, जितना उसने ड्रॉइंग किया और कितने महीना के लिए उसने पैसे को यूज किया, तो ये कितना आ जाएगा, 2,40,000, और ये आ जाएगा हमारा 1,12,000, ये आ जाएगा 36,000, एंड ये आ जाएगा 24,000। जब भी आप अकाउंटेंसी के अंदर कुछ भी कैलकुलेशन करने जा रहे हो तो हमेशा ये जीरो के नीचे जीरो आना चाहिए, कोमा जरूर लगा के चलना, ताकि आप लोगों को एग्जामिनेशन के अंदर टाइम पीरियड थोड़ा होता है तो उसमें कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम ना हो। इसका टोटल आ गया 4,12,000, ये क्या है, टोटल है, किसका टोटल है बेटा, इस प्रोडक्ट का टोटल है। चलिए तो अभी इसके अंदर हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। इसके अंदर हम जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल प्रोडक्ट इनटू में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना परसेंट ले रहे हैं, 9 है ना, तो 9/100, और इसमें लेंगे टाइम पीरियड, तो टाइम कितना लेंगे। प्रोडक्ट मेथड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली वो ये है कि हमने क्या किया बेटा, सभी मंथ्स का के अकॉर्डिंग उसको मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट निकाल लिया है। अब इस मेथड में सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ के लिए ही हम लोग इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, तो सारे अलग अलग जितने भी ड्राइंग्स करी हुई हैं उनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो सही हमारी कैलकुलेशन कर देगी। तो ये कितना है, 4,12,000 इंटू 9/100 एंड इंटू 1/12, तो इसके अंदर जितना भी बड़ा अमाउंट आएगी वो हमारा प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट मेथड है, और इसके बाद हमारा लास्ट मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रह गया है, और जिसका नाम है मंथली ड्राइंग मेथड, तो उसको भी अभी हम देख लेते हैं। अकाउंटेंसी के किसी भी टॉपिक का अगर आप लोगों को कभी प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो, तो मैं आप लोगों को उसकी वीडियो बनाकर आप लोगों को सेंड कर दूंगा या यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो लास्ट इसका जो मेथड है वो है मंथली ड्राइंग मेथड। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन अगर पर्टिकुलर इसी टॉपिक में से आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में से आएगा,
तो देखिए अलग अलग आता है। अगर एचबीएससी बोर्ड की मैं बात करता हूँ तो उसमें 4 नंबर का इसी तरीके का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का पूछा जा सकता है। सीबीएसई में अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, वो डिपेंड करता है कि उन्होंने किस प्रकार से उस क्वेश्चन को मोल्ड करके पूछा हुआ है। तो मेनली जो क्वेश्चन अगर रहता है तो इस टॉपिक में से पूछा जाता है। अभी जो मंथली हमारा ड्रॉइंग मेथड है, इसमें कई मेथड बनेंगे, इसके सब पार्ट्स बनेंगे। जैसे कि देखिए, अगर एक पार्टनर है वो हर मंथ ड्रॉइंग कर सकता है। ये मेथड कब इंप्लीमेंट किया जाएगा? अगर हर मंथ या हर 3 महीने के बाद क्वार्टरली या फिर हर 6 महीने के बाद हाफ ईयरली एक पार्टनर है या सभी पार्टनर्स हैं वो ड्रॉइंग कर रहे हैं, क्या मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली इक्वल टाइम पीरियड के बाद अगर वो लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉइंग कर रहे हैं, तो हम इसी मेथड को यूज करेंगे। ये मेथड बहुत ज्यादा उसके अंदर हेल्पफुल रहता है। अब मान लीजिए, सबसे पहले मैं इस मेथड को बता रहा हूं कि अगर पार्टनर है वो ईच मंथ क्या कर रहे हैं, ड्रॉइंग कर रहे हैं। अगर ईच मंथ ड्रॉइंग करेंगे और इक्वल टाइम पीरियड के बाद करेंगे तो भी 3 तरीके के इसमें स्टेटमेंट हमारी बन सकती है। कौन कौन सी? इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, और कौन सी बनेगी भाई? इन द मिड ऑफ ईच मंथ एंड इन द या एट द एंड ऑफ ये 3 है बेटा, ये 3 नहीं, चाहे कितने भी प्रकार से वो बोले, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को अगर वो पुट कर रहा है, और अगर ये मेथड अगर आप लोगों ने समझ लिया, स्टेटमेंट पढ़िए, आंसर दीजिए, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सबसे पहले समझने की इसमें कोशिश करनी है कि किस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे। मैंने अभी बताया ना, जैसे कि ईच मंथ है, उसके बाद में यही चीज वो क्वार्टर के अंदर बोल सकता है। क्वार्टर के अंदर किस प्रकार से बोलेगा? एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर, एट द मिड ऑफ द ईच क्वार्टर एंड एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। तो क्वार्टर का मतलब आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लेना है। एंड इसके बाद में जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा एट द बिगिनिंग ऑफ द हाफ ईयर, एट द मिड ऑफ द हाफ ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईच हाफ ईयर। तो उस चीज को आप लोगों ने ध्यान रखना। अब किसी भी प्रकार की स्टेटमेंट अगर आ जाए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार का मेथड लागू होना है। तो वो इंप्लीमेंट कौन सा होना है? देखिए बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम लोगों को टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। टाइम पीरियड, कौन सा टाइम पीरियड? वो वाला टाइम पीरियड जिसके लिए अपने को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है। तो देखो बेटा, वो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला है, चाहे वो बिगिनिंग हो, मिड हो, एंड हो, मंथ का हो, क्वार्टर का हो, हाफ ईयर का हो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस स्पेस का मैं एडजस्ट कर लीजिएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग अपॉन 2। बेटा ये मेथड है सिंपल सा। अगर आप लोगों ने ये मेथड को अपने लड़ बांध लिया, कहने का मतलब है अगर ये मेथड को आप लोगों ने अपने दिमाग में बिठा लिया, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से रिलेटेड और मेनली मंथली ड्रॉइंग मेथड से रिलेटेड, आप लोग इसको आसानी से कैलकुलेट कर लोगे, आप लोगों को डैम श्योर कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखिए किस प्रकार से, अगर क्वेश्चन में बोला गया, मैं यहां पे इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं किस प्रकार से क्वेश्चन में बोला गया, एक है मोहन, तो ये मोहन है, मोहन क्या कर रहा है? हर मंथ ड्राइंग कर रहा है और बोला इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्राइंग कर रहा है, और कितना कितना ड्राइंग कर रहा है? ये ड्राइंग कर रहा है मान लीजिए 2000, सिर्फ 2000 उसको रिक्वायरमेंट रहती है, किस चीज की? अपने राशन के लिए या फिर बीवी के खर्चे के लिए, किसी भी चीज के लिए हो सकते हैं भाई। तो क्या बोला? मोहन है ईच मंथ, और ये वाली स्टेटमेंट में ले रहा हूं, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ क्या कर रहा है? 2000 रुपया निकाल रहा है। तो सबसे पहले मैं टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करूंगा? देखिए, टाइम लेफ्ट एट आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉइंग, जब उसने पहली ड्रॉइंग करी,
तो पहली ड्राइंग इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो 1 अप्रैल को करेगा वो। 1 अप्रैल को अगर उसने ड्राइंग करी तो टाइम लेफ्ट कितना है? तो टाइम लेफ्ट है 12 मंथ, है ना, 12 महीने है ना यहाँ पे। उसके बाद बेटा टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग वो कब करेगा? वो करेगा 1 मार्च को, क्योंकि इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं, 1 मार्च को करेगा। तब महीने कितने बचेंगे? सिर्फ एक बचेगा अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 6.5। तो 6.5 महीने का टाइम पीरियड हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो टोटल टाइम पीरियड की सॉरी टोटल ड्राइंग कितना हो गया? 2000 उसने निकाला 1 महीने का, 12 महीनों का कितना निकलेगा? 24000, 24000 इनटू रेट कितना है? मान लीजिए 10% है, 10/100 इनटू मंथ, टाइम पीरियड कितना है? 6.5/12, ये निकाला। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई है? वेरी गुड, शाबाश। तो ये हुआ। अभी एक छोटी सी चीज आपको और करके दिखा देता हूं मैं। अभी अगर वो बोलेगा कि इन द एंड ऑफ द ईच मंथ, एक है नेचर, मिस्टर नेचर सिंह है, तो मिस्टर नेचर सिंह क्या कर रहे हैं? एक पार्टनर है बिजनेस के अंदर, और ये क्या कर रहे हैं? एट द एंड ऑफ ईच मंथ 3000 रुपए निकाल रहे हैं। इनको रिक्वायर्ड है, अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहे हैं भाई, बिजनेस कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, तो घर के खर्चे भी तो जरूरी है। बिजनेस तो कहेगा मेरे पास लाते रहो और इन्वेस्ट करते रहो करते रहो, लेकिन अपने घर के खर्चों के लिए इसने पार्टनर्स को सभी को बोल दिया बीवी बच्चों के बहुत से खर्चे हैं, तो 3000 रुपए तो मेरे को चाहिए चाहिए। बिल्कुल सही है, नेचर सर मुस्कुरा रहे हैं। तो नेचर सिंह अगर निकालेगा 3000, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा बेटा इसके लिए? टाइम पीरियड। देखो कैसे निकलेगा, इन द एंड ऑफ ईच मंथ निकालता है। अगर पहली ड्राइंग करेगा तो कब करेगा? हर मंथ के एंड में निकाल रहा है। 1 अप्रैल से बिजनेस को शुरू किया गया तो 30 अप्रैल को पहली ड्राइंग करेगा ना, तो पीछे महीने कितने बचे? एक साल के अंदर, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर 11 महीने बचे। प्लस में लास्ट ड्राइंग कब करेगा भाई? वो 31 मार्च को। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द ईच मंथ कर रहे हैं ना वो ड्राइंग, तो 31 मार्च को बचा तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा भाई, तो अपॉन में 0, तो ये कितना आ गया? 5.5। तो अभी नेचर सिंह के लिए क्या बचेगा? 5.5 महीने के लिए इसके कैलकुलेट किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किस प्रकार से? देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल ड्राइंग कितना है इसका, 3000 ईच मंथ कर रहा है 12 महीने के लिए, तो कितना होगा? 36000 इंटू में 10% 10/100 इंटू में 5.5/12, तो ये जो भी अमाउंट आएगी दैट विल बी द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नेचर सिंह को पे करना पड़ेगा। क्या बेटा ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई है? मैंने बहुत एक अच्छे तरीके से सिंपल मेथड से आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करी है। अगर आप लोग चाहते हो तो आपको एक छोटा सा मेथड और है, मैं आपको और बता सकता हूँ। बताइए कौन सा चाहोगे आप लोग, क्वार्टर का चाहिए या हाफ ईयर का? चलिए क्वार्टर का मैं बता देता हूँ, और क्वार्टर भी कौन सा बताऊंगा? मिड का बताऊंगा। कौन सा? मिड का। मान लीजिए क्यों बोला एट द मिड ऑफ ईच क्वार्टर। चलिए क्वार्टर 3 महीने का एक क्वार्टर हुआ, ठीक है, एक साल के अंदर कितने क्वार्टर हुए? बिल्कुल सही, 4 क्वार्टर हुए। तो अभी 4 क्वार्टर हुए, उसने क्या बोला कि देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को सिंपली तरीके से इसको समझाने के लिए, देखिए 3 महीने का हुआ ना, 1 2 3 एक क्वार्टर हो गया, 1 2 3 एक क्वार्टर हो गया, 1 2 3 अगला क्वार्टर हो गया, 1 2 3 अगला क्वार्टर हो गया। बोले तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये सिंपल तरीके से बिल्कुल बेसिक लेवल पे आप लोगों को मैं समझाने की इसको कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अगर तो उसने बोला के ईच क्वार्टर के बिगिनिंग में उठा रहा है, ईच मंथ के बिगिनिंग में उठाएगा, तो क्या करेगा वो? 1 अप्रैल को उठाएगा, उसके बाद में अप्रैल मई जून अगली 1 जुलाई को उठाएगा, कुछ नहीं छोड़ दे, बीच में छोड़ देगा वो, फिर यहाँ पे अगस्त सितंबर अक्टूबर 1 अक्टूबर को उठाएगा, एंड उसके बाद में अक्टूबर नवंबर दिसंबर 1
जनवरी को उठाएगा। तो मैं किस प्रकार से कैलकुलेट करूंगा, मान लीजिए 5,000 रुपया वो ईच क्वार्टर को निकाल रहे हैं, 5,000 रुपीज है, तो टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, पूरे के पूरे महीने पड़े ना भाई जब मैं स्टार्टिंग में कर रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा 12 महीने, प्लस में लास्ट ड्रॉइंग कब करेगा वो यहाँ पे करेगा 1 जनवरी, 1 जनवरी को तो 3 महीने पड़े हैं, अपॉन में 2 कर देगा। कैसे सही है, हो जाएगा ना ये वाला, चलिए गुड। अगर एंड वाला कर रहा है तो एंड में करेगा, तो यहाँ कितने महीने पड़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 प्लस में ये यहाँ पे करेगा तो 0। इज इट क्लियर। अभी अगर वो कर रहा है मिड में, तो मिड में कैसे करेंगे हम लोग बेटा, इस महीने के बीच में कर रहा है, इस महीने के बीच में बोले तो फरवरी के 15 फरवरी को इसने एक ड्रॉइंग करी, फिर अप्रैल मई है, तो मिड ऑफ 15 मई को कर रहा है, जून जुलाई अगस्त, फिर उसके बाद में 15 अगस्त को कर रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर को कर रहा है, इस प्रकार से फिर फरवरी को कर रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर उसने ड्राइंग करी 15 दिन, तो ये कितने दिन बच गए हैं, 1 महीना ये पूरा बच गया, 15 दिन ये, तो 1.5 महीना तो ये बच गया भाई, इसके कितने बच गए 3 महीने, इसके बच गए 3 महीने, और इसके कितने बच गए, ये सबसे जरूरी है बेटा, क्वार्टर वाले में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ भी कितने, अगली लास्ट ड्राइंग वो कब करेगा, 15 फरवरी को, 15 फरवरी को करेगा, तो कितने बच गए, 15 दिन तो फरवरी के बच गए, आप ऐसे मत कह देना सर 28 दिन ही होते हैं, तो हम 15 ही मान के चलेंगे इसको, 15 और ये, तो 1.5 महीना यहाँ पे बच गया, क्लियर है बेटा, 3 और 3 6, 6 और 3 ओके हाँ 9 ठीक है, प्लस में यहाँ कितना बच गया भाई 1.5 महीना, तो ये कितना आ गया भाई उसके अकॉर्डिंग, और इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये टाइम पीरियड है, और उसके बाद में उसी प्रकार से मान लीजिए स्टार्टिंग का था, एंड का था, कोई भी था, तो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो किस प्रकार से करूंगा, कितना टोटल ड्रॉइंग है, टोटल ड्रॉइंग है, तो 4 क्वार्टर के अंदर किया 5,000 किया, 5 × 20 20,000 इंटू में परसेंटेज कितना है, और यहाँ पे टाइम पीरियड जो भी है, चाहे वो ओपनिंग वाला है, चाहे वो मिड वाला है, चाहे वो लास्ट वाला है। तो बेटा ये 2 मेथड थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, जो हमारा पार्टनरशिप के अंदर कैलकुलेट किया जाता है, उसके बारे में आज मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया। फिर भी अगर आप लोगों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है 9050806442 इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करके आप मेरे से किसी प्रकार की PDF फाइल है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए घर में क्वेश्चंस चाहिए, तो मैं आप लोगों को वो सेंड करता रहूँगा टाइम टू टाइम, तो आप वहाँ पे कर सकते हो बेटा। और बाकी लॉकडाउन का ये जो टाइम चल रहा है, प्लीज़ सेफ, बी सेफ, घर में रहें, स्वस्थ रहें, थैंक यू बेटा। और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है वो बनने वाली है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर, तो कल हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।